तो वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम समझते हैं पिवट टेबल के बारे में। देखिए पिवट टेबल में जनरली क्या होता है, हम रिकॉर्डिंग मैक्रो करते हैं और रिकॉर्डिंग मैक्रो करने के बाद फिर उसकी हम देखते हैं, तो फिर क्या होता है, क्या है कि वो चलता नहीं है, समझे। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो रिकॉर्ड करेंगे शुरुआत में पिवट टेबल को, और जब रन करेंगे तो सही से वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, फिर मैनुअल भी लगा के देखेंगे, पिवट टेबल देन ओके। नहीं, पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया मैक्रो पिवट टेबल। देखिए पिवट टेबल के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, पहला पिवट टेबल लगाना, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे जाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि ए हमारा पिवट लगा। अब पिवट लगने में इतने सारे कोड चले गए, हालांकि इतने सारे कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो उन्होंने सेटिंग्स किया है जो कि डिफॉल्ट रहता है, तो हम ये सारे सेटिंग्स को यहां से हटाते हैं। ये सब कोड की जरूरत नहीं, ये है पिवट टेबल, सिर्फ इतना ही पिवट टेबल के लिए काफी। अब कोड को समझिए, सबसे पहले इसने पिवट टेबल को ऐड किया, क्या किया, ऐड किया एक सीट, ऐड किया फिर पिवट टेबल ऐड किया। अब पिवट कैच क्रिएट सोर्स, सोर्स में एक्सेल डेटा है सोर्स, और यहाँ पे सोर्स डेटा इक्वल टू अपना रेंज पूरा लिया हुआ है, पिवट टेबल का वर्जन 8 है, और डॉट क्रिएट पिवट टेबल, टेबल डेस्टिनेशन सीट 4 है और टेबल नेम पिवट टेबल 1। अब यही पे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हर बार नई सीट ऐड होती है और इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम अलग होता है, और हर बार पिवट टेबल का नाम अलग होता है, एक नाम पे दो पिवट टेबल नहीं लगाया जा सकते। तो रिकॉर्डिंग का था, अगर हम इसको खुद से लगाएं पिवट टेबल तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक डेटा शीट ले लेते हैं और जहां पिवट लगाना है उस पिवट शीट को ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐड भी कर लीजिए या फिर नॉर्मली आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट करते हैं पिवट 1 के नाम से, ब्रैकेट ओपन करो, ओके। सबसे पहले यहां पे करते हैं डिम डब्ल्यू एज ए, या डी टी कर देते हैं, डी टी एज ए वर्क सी, एक वर्कशीट लेते हैं और यहां पे करते हैं सेट डी टी इक्वल टू सीट्स, और यहां पे हमने डेटा लिया, और जहां पे लगाना है वो भी देना चाहिए, तो डिम पी एज ए वर्क सीट, और यहां पे हम करते हैं सेट पी इक्वल टू सीट्स सीट्स, यहां पे हमने दे दिया पी वर्क। तो दो सीट्स हमने डिक्लेयर कर लिए ताकि आगे दिक्कत ना हो, हालांकि जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ डिक्लेयर करने से फायदा है। अब यहां पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो डिम पिवट टेबल पीटी एज ए पिवट टेबल, यहां पे पिवट टेबल, टेबल होगा, टेबल्स मत कीजिएगा, क्या लिखिएगा, टेबल, ओके। अब उसके बाद एक चीज और करना है, डिम पीसी एज ए पिवट कैच, यहां देख पा रहे हैं आपको पिवट कैच है, तो पिवट कैच को हम डिफाइन करते हैं पिवट कैच। अब यहां पे हम सेट करते हैं अपना पीसी को, पिवट कैच,
तो सेट पीसी इक्वल टू दिस वर्क बुक या एक्टिव वर्क बुक भी ले सकते हैं, दिस वर्क बुक डॉट पिवट कैच डॉट क्रिएट। तो यहां पे हमने पिवट टेबल को क्रिएट किया। अब क्रिएट करते समय हमें यहां पे सिलेक्ट करना है अपना डेटा सोर्स, मैं डेटा सोर्स कौन सा है, तो यहाँ पे एक्सेल डेटाबेस हमें सिलेक्ट करेंगे कि एक्सेल से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक्सेल डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। सोर्स के बाद आता है सोर्स डेटा, क्या आता है सोर्स डेटा, कि सोर्स डेटा क्या है, मतलब कहाँ पे पिवट लगेगा। तो सोर्स डेटा में हमने यहाँ दे देते हैं आपको हमारा जो डी टी है, डी टी डॉट रेंज हमने बोला A1, या फिर एक काम और कर सकते, थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक और रेंज डिफाइन कर लेता हूं कि डिम आर एज ए रेंज, और यहां पे हम करते हैं सेट आर इक्वल टू डी टी डॉट रेंज A1 डॉट करेंट रीजन। करेंट रीजन, और यहां पे हम कर देते हैं अपना आर, ठीक है। तो हमने यहां बोल दिया जैसे यहां पे था ना, यहां पे पिवट कैच क्रिएट, मैं यहां पे सोर्स डेटा एंड यहां पे सोर्स डेटा टाइप एक्सेल का है एंड सोर्स डेटा हमने अपना यहां पे डाल दिया, बाकी वर्जन वर्जन तो डालने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गई, तो ये हमने सेट कर दिया। अब यहां पे हम कर रहे हैं कि सेट, हमने पिवट टेबल लिया हुआ है ना, पीटी पीटी इक्वल टू हमने क्या लिखेंगे, डी टी डी टी नहीं वहां पे, हाँ डी टी डॉट क्या होगा, ऐसे ही नहीं, डिट डॉट पिवट पिवट टेबल्स, यहां पे टेबल्स होगा, पिवट टेबल्स डॉट एड, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर में बना हुआ पीसी कॉमा डेस्टिनेशन का है, तो डेस्टिनेशन हमारा होगा पी डॉट रेंज A1, और यहां पे पिवट टेबल नेम है, पिवट टेबल का नेम आपको देना है, तो पिवट टेबल नेम में हमने यहां पे P1 कर दिया, बस। अब इसको रन करते हैं तो हो जाना चाहिए।
but one, invalid argument. यहाँ पे ऐसे क्या होगा ऐसे एड इस बार दूसरे तरीके से बना रहा हूँ सर, इसलिए पिवट कैच इक्वल टू पिवट कैच, तो जो पीसी है पीसी हमने डिक्लेयर किया है वो आ जाए। इसके बाद आता है टेबल डेस्टिनेशन, टेबल डेस्टिनेशन पी डॉट रेंज एट वन एंड टेबल नेम इक्वल टू पी वन। ओके, यहां पे मैंने सेमी कॉलन लगाया। स्पेस स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? TABL टेबल DESTI डेस्टी NATIN डेस्टिनेशन। यहां पर हम टी कह रहे थे, सेम सीट पे कर रहे थे ना, इसलिए दिक्कत हो रहा था। डेटा और पिवट दोनों सेम सीट पे था ना, इसलिए प्रॉब्लम, पिवट लग गया। तो यहां हमने एक तरीका दिखाया, हालांकि ये तरीका मैं पहले भी बताया। अब इसको सिंपली सिंपलिसिटी भी कर सकते हैं, यहां पे हम पिवट टू करके, पिवट टू, हाँ पिवट वन करके एक सीट बना रहे हैं। अब जो रिकॉर्डिंग मैक्रो का कंसेप्ट है ना, वही कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ पे सब पिवट अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है एक्टिव वर्क बुक डॉट पिवट कैच कैचेज, पिवट कैचेज डॉट क्रिएट, डॉट क्या कर दिया हमने, क्रिएट कर दिया। और इसके अंदर आता है सोर्स जो कि एक्सेल डेटाबेस, और यहां पे आता है सोर्स डेटा कि आपका डेटा सोर्स क्या है। अब डेटा सोर्स थोड़ा सा लंबा है तो यहाँ पे कोड लंबा चला जाएगा, तो ये डेटा सोर्स हम यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं कि डिम आर एज ए रेंज और सेट सेट आर इक्वल टू, हमने दिया कि भाई रेंज रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन, बट किसका करेंट रीजन, तो यहां पे सेट्स और शीट्स के अंदर हमने बोला कि डेटा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, तो डेस्टिनेशन हो जाएगा आर, ठीक है।
उसके बाद पीवट का वर्जन वर्जन डालना है डालिए, अदरवाइज वर्जन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्जन वगैरह जो आप दिख रहा है आपको क्या है, ये डिफॉल्ट नहीं है। अब यहां पे हो गया हमारा, अब यहां पे इसको करते हैं क्रिएट पिवट टेबल। क्या है? क्रिएट पिवट टेबल। अब आता है डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन देना जरूरी है क्योंकि डेस्टिनेशन आपका फिक्स नहीं है। तो यहां पे एक और रेंज लेते हैं कि डिम वी एज ए रेंज, और यहां पे करते हैं सेट डी इक्वल टू 6, और यहां पे पिवट 1 डॉट रेंज A1। तो यहां पे डेस्टिनेशन में क्या डालिए, डेस्टिनेशन में हमने डाल दिया D, और पिवट टेबल का जो नेम है और नेम को हमने कर दिया P2। सिंपल सर। अब देखिए, अब हम सीट इसको भी रन करेंगे तो वो चल जाएगा। तो यहां पे आते हैं और पिवट टेबल 2 को रन कर, ये देखिए पिवट 2 पे भी हमारा पिवट टेबल लग गया। तो दो तरीके हैं यहां पे। आप अब रिकॉर्डिंग मैक्रो को समझे कि नहीं समझे, कि एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच डॉट क्रिएट सोर्स टाइप एक्सेल डेटा और सोर्स, यहाँ पे अपना सोर्स दे दीजिए। सोर्स को ऑटोमेट करने के लिए आपने तरीका बताया, इस तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्रिएट पिवट टेबल, टेबल डेस्टिनेशन में अपना जहां पिवट टेबल लगाना है वो दे दीजिए, पिवट टेबल का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ दिया। तो एक तरह से वेरिएबल्स वगैरह यूज करके हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तो पिवट टेबल जस्ट लगा है। क्या हुआ है? पिवट टेबल जस्ट लगा है। अब मुझे इसके अंदर फील्ड्स भी तो रखने हैं, तो फील्ड्स रखने के लिए चलिए एक बार रिकॉर्ड करते हैं कि हम माइक फील्ड्स रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने स्टोर को रो में रख दिया, एसओ को कॉलम में रख दिया, क्वांटिटी को यहां कर दिया और प्रोडक्ट को फिल्टर में रख दिया, और एक फिल्टर मैंने लगा भी दिया, और यहां से स्टॉप करते हैं। तो पिवट टेबल के दो पार्ट होते हैं, एक पिवट लगाना, दूसरा फील्ड को लगना। फील्ड लगने के यहां देखिए कि विथ एक्टिव शीट डॉट पिवट टेबल, यहां पे पिवट टेबल का हमने नाम ले लिया, और पिवट टेबल फील्ड स्टोर को मैंने स्टोर को कहाँ रखना है, ओरिएंटेशन रो 1 में। अब पोजीशन 1, अब पोजीशन 1 हम तभी देंगे जब आपके पास एक से ज्यादा फील्ड आपको एक ही सेक्शन में रखना हो। तो सेम यहाँ पे हमने इसको कॉलम फील्ड में रखा, इसको पेज फिल्टर में रखा, और यहाँ पे देखिए अगर जिसको सम करना है उसको हम एड डेटा एक्टिव शीट डॉट पिवट टेबल P2 पिवट फील्ड क्वांटिटी सम, और क्वांटिटी और फॉर्मूला क्या हुआ, एक्सेल सम हुआ। ऐसे यहाँ पे एक्सेल एवरेज होगा, एमआरपी सम होगा। ओके, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर हम यहाँ जो डिक्लेरेशन किया था उसमें हम चलते हैं, तो हमने डिक्लेरेशन इसलिए किया था कि हम यहां पे सिंपल सा लिखे कि बेथ पीटी डॉट पिवट फील्ड्स, और फील्ड्स का नाम क्या है, एसओ डॉट ओरिएंटेशन, जहां पे डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट ORI TNTAP ओरिएंटेशन इक्वल टू एक्सल रो FELB फिल। ठीक है, यहां पे डॉट
एड डेटा फील्ड और यहां पे पीटी डॉट प्योर फील्ड्स, इसमें हमने दे दिया क्वांटिटी और यहां पे कैप्शन देना है। यहां पे यहां से ले जाओ ऑब्जेक्ट क्वांटिटी हो गया, कैप्शन में हो गया टोटल सेल्स और फंक्शन की क्या लगना है। तो यहां पे एक्सेल हमने यहां पे सम कर दिया, सम लगा और फिर यहां पे एंड विथ कर दिया। अब यहां पिवट टेबल का नाम जो है, एक मिनट मैं यहां पे आता हूं, आपका पहले वाले पिवट वाले वन में इसको यहां से रिमूव करता हूं। रिमूव करने के बाद अब मैं अपना इस वाले पिवट को लगाता हूं। तो यहां देखिए आपका नतीजा, ठीक है। समझे? तो पिवट टेबल लगाना आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत? अब यहां पे एक काम और करते हैं, लिखते हैं डिम सी एच एज ए चार्ट ऑब्जेक्ट, चार्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हम करते हैं सेट सी एच इक्वल टू पी डॉट, पी एम सीट का नेम है, डॉट सैप्स, सैप्स डॉट एड एड चार्ट, चार्ट तो यहाँ रहा एड चार्ट, चार्ट टू होगा, चार्ट चार्ट भी हो सकता है। यहाँ पे पहला आता है चार्ट टाइप, तो चार्ट टाइप में मैंने यहाँ दे दिया एक्सेल कॉलम, सी सी ओ एल यू एम एन कॉलम, एक्सेल कॉलम कॉलन कर्सर, ये चार्ट नेम होता है। तो चार्ट पे क्लिक करेंगे ना तो चार्ट का नेम बता दें, कर्सर, बाकी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और यहां पे विथ विथ सी एच डॉट, विथ लगाने की जरूरत नहीं, यहां पे एक ही करना है ना, कौन बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं।
या ch डॉट चार्ट टाइटल, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेल्स एलोकेट। चलिए एक बार इसको दोबारा रन करते हैं, और लेकिन इससे पहले जो हमने पिवट लगाया हुआ है उसको हटा देते हैं, क्योंकि एक नाम के दो पिवट नहीं होता है। यहाँ पे पिवट वन टाइप डेटा चार्ट तो लग गया था, फिर चार्ट लग गया था, टाइप मिसमैच क्यों होता था रहा है, चार्ट तो लगा दिया इसने। वो सी एस के ऊपर साइन नहीं हुआ ना, अच्छा यहाँ पे एज ए चार्ट देन मैं गलत किया था, इसको डिलीट करता हूँ। लगेगा तो चार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्पीड और सेफ जोड़ ऐड चार्ट टू एक्सेल परसेंट कर सर, सही तो है। चार्ट टाइटल और टेक्स्ट किस पे क्या दिक्कत दे रहा है, चार्ट बना तो रहा है। चलिए दिक्कत हो जाता है, कुछ और सेटिंग वगैरह गड़बड़ होती है। एप्लीकेशन डिफाइन एंड ऑब्जेक्ट डिफाइन एरर, चाहे हमें दिक्कत हो रही है, एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, हम रिकॉर्डिंग मैक्रो का सहारा लेते हैं। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो, देन इस पे कर्सर रखें, और यहाँ पे हम पिवट टेबल में पिवट चार्ट
और यहाँ पे ओके पर कर सकते हैं। टाइटल को सेल्स कर देते हैं। स्टॉप करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैप को क्या कहता है पर देखते हैं। एक्टिविटी डॉट सेट डॉट एट चार्ट टू चार्ट का नंबर कर्सर कॉलन डॉट सिलेक्ट सही तो है। इसके लिए सबसे पहले पिवट टेबल में मुझे ए टू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एड डेटा लेबल फर्स्ट रो। अच्छा ये पिवट टेबल जो किया वो करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मुझे क्या करना है जैसे भी यहां पे मैंने चार्ट ऑब्जेक्ट लिया सही लिया और मैं यहां पे सबसे पहले तो पी डॉट एक्टिवेट करूंगा फिर रेंज ए टू डॉट सिलेक्ट जहां पे पिवट टेबल है उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। देन पी डॉट सैप्स डॉट एड यहां पे या फिर यहां पे कर सकते हैं कि सेट सी एच इक्वल टू पी डॉट एड पी डॉट सैप्स सैप्स डॉट एड चार्ट टू। अब यहां पे चार्ट का नंबर जो कि 201 है या जो भी उसका कॉलम नंबर वो डालिए 201 कॉमा चार्ट स्टाइल 201 है और चार्ट टाइप जो है हमारा वो है 51 बाकी टॉप लेफ्ट रहने दी। ये चार्ट आपका हो जाएगा चार्ट आपका बन जाएगा। अब यहां पे हम मुझे चार्ट के अंदर सेल्स सेल्स जो है यहां पे एक्टिव चार्ट हो गया। अब यहां पे हम करते हैं सेट सेट में विथ बिटवीन सी एच करते हैं सी एच डॉट सेट नहीं सेट सी इक्वल टू सी एच डॉट चार्ट। अब होगा यहां पे सी डॉट सी एच डॉट चार्ट हो गया तो यहां पर आना चाहिए था ना सी डॉट टाइटल चार्ट टाइटल चार्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेट। चार्ट लगाने के बाद टाइप मिसमैच आ रहा है। चार्ट लगा तो रहा है लेकिन इस पे सी एच पे असाइन नहीं कर रहा है। ओके अगर हम यहां पे सी एच एज ए चार्ट कर दे तो ऑब्जेक्ट डिफाइन में दिक्कत हो रहा है साइन नहीं करा असाइन नहीं करा इस कारण से आगे इसके ऊपर जो इसको छेड़छाड़ करने में दिक्कत होगा। दो बार ऐड हो गया
ये वही प्रॉब्लम है। अच्छा ये मुझे इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप सेट पर मत कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, आपका चार्ट अप्लाई कर गए, ठीक है। डायरेक्ट जो है इसको क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे चार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, चार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चार्ट की पोजीशन चेंज करनी है तो यहां लेफ्ट राइट विड्थ वगैरह लगा सकते। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कुछ चार्ट्स के ऊपर, इसलिए समझ में आया आपको कि नहीं सर। तो पिवट टेबल हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, उसके बाद जो भी करना है एक्टिव चार्ट भी कीजिए कि मुझे एक्टिव चार्ट का टेक्स्ट टाइटल चेंज करना है, तो आपका एक्टिव चार्ट का टाइटल चेंज हो जाएगा। आप चाहते हो कि कुछ और हो तो कुछ और भी इसके अंदर आप कर सकते, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो पिवट टेबल समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट? देखिए कोई एरर नहीं है, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था सर इसलिए ऐसा दिक्कत। तो सिंपल से बात समझिए, पिवट टेबल लगाने के दो तरीके। अगर रिकॉर्डिंग के थ्रू चलते हैं तो एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच डॉट क्रिएट, उसके बाद सोर्स डेटा और डेस्टिनेशन यहाँ पे डिजाइन कर दीजिए, डॉट क्रिएट सोर्स डेटा एंड सोर्स डेटा टाइप एंड सोर्स डेटा यहाँ डिफाइन कीजिए, क्रिएट पिवट टेबल, उसके बाद डेस्टिनेशन और पिवट नेम को यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ क्या हुआ कि एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच डॉट क्रिएट एक्सेल डेटा, और यहाँ पे हम कर देंगे पिवट टेबल क्रिएट होगा। उसके बाद फिर आप पिवट टेबल का जो नाम क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से जो है डेटा को ऐड करते हुए चले जाइए। देखिए कोड को बहुत लंबा नहीं छोटा करना है तो हमारा इस ऑब्जेक्ट मेंबर पर जानिए कि पहले आप वर्कशीट को डिफाइन कीजिए, उसके बाद पिवट टेबल पिवट कैच को डिफाइन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप सीट को सेट कीजिए, रेंज को सेट कीजिए, और यहाँ पे सेट कीजिए कि पीसी मतलब कि पिवट कैच, पहले पिवट कैच क्रिएट होगा कि दिस वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक डॉट पिवट कैच डॉट क्रिएट एक्सेल डेटाबेस होगा, और कहाँ का डेटा है तो एक करेंट रीजन डेटा डेटा टेबल का करेंट डेटा टेबल है। उसके बाद फिर पिवट कहाँ लगना है तो वहां पे पुश टेबल उस सीट जैसे कि पिवट सीट है यहाँ पे, तो पिवट डॉट पिवट टेबल डॉट एड पिवट कैच हमारा पीसी होगा जो कि यहाँ गया है, और पिवट डेस्टिनेशन जो है आर डॉट रेंज A1 होगा, और पिवट टेबल का नाम डिसाइड कर लीजिए कि P1 P2 क्या होना है। उसके बाद विथ पीटी पिवट टेबल फील्ड में SO को रो में रखना है या कॉलम में रखना है, और फिर डेटा फील्ड ऐड करनी है किसके कौन सा डेटा फील्ड ऐड करना है, तो पीटी की क्वांटिटी ऐड करनी है और कहाँ पे डालना है, क्या नाम देना है सेल्स और क्या सम देना है, इस तरह से अपने फील्ड को ऐड करते चले जाओ। सिंपल सा चार्ट लगाना है तो सेफ जॉर चार्ट टू, चार्ट के डिजाइन एंड चार्ट का नंबर 51 कॉलम के लिए होता है, यहाँ पे एक्सेल 63 कॉलम वगैरह ही ले सकते हैं, और यहाँ पे सेल्स करें फिर चार्ट टाइटल वगैरह चेंज करते हैं। तो चार्ट के बारे में हम कल सिखाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा, ठीक है।